आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। 23 लाख लोगों की घनी आबादी वाले गाजा पट्टी में नागरिक तब से डर में जी रहे हैं जब से हमास और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गुरुवार सुबह तक 1000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। डर के साए में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इजराइल और मिस्र दोनों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हवाई हमलों के बारे में गाजा पट्टी की निवासी आयशा अबू दक्का कहती है, आप दूर से आवाज़ सुनेंगे और फिर आपको घर हिलता हुआ महसूस होगा। फिलहाल हम बस इंतज़ार कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। गाजा निवासी 38 वर्षीय माजिन मोहम्मद ने कहा कि उनके भयभीत परिवार ने रात एक साथ छिपकर बिताई, क्योंकि सुबह होने से पहले विस्फोटकों से इलाका हिल गया था। मोहम्मद ने AFP को बताया, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूतहा शहर में हैं, जैसे कि हम ही जीवित बचे हों। लंबे समय से अवरुद्ध फिलिस्तीनी एनक्लेव में बिगड़ते मानवीय संकट पर चिंता बढ़ रही है। जहां इजराइल ने अब पानी, भोजन और ऊर्जा आपूर्ति में कटौती करते हुए पूरी घेराबंदी कर दी है, गाजा एनक्लेव का एकमात्र बिजली संयंत्र कल ईंधन खत्म होने के बाद बंद हो गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में निवासियों को अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए कार की बैटरी का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा का अल शिफा अस्पताल बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों से भरा हुआ है और ऑक्सीजन सहित चिकित्सा आपूर्ति तेजी से खत्म हो रही है। डिब्बाबंद भोजन तेजी से दुकानों से गायब हो रहा है। क्षेत्र का एकमात्र बूचड़खाना बंद है। सीमा के पास उगाई जाने वाली सब्जियों की आपूर्ति कम है। इजराइल ने अब गाजा को पूरी घेराबंदी की घोषणा कर दी है। बिजली, भोजन और पानी की आपूर्ति को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया है। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि युद्धरत शक्तियों की गोलीबारी के बीच गाजा पट्टी के निवासियों के लिए जीवन कितना मुश्किल होगा। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।